नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 1 अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन कोरोना महामारी के चलते माना जा रहा है कि इस बार मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों में सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रश्नकाल क्या होता है, प्रश्नकाल का महत्व क्या होता है और इससे जुड़ा इतिहास भी। प्रश्नकाल भारत की संसदीय कार्यप्रणाली का प्राण माना जाता है। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की शुरुआत 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुई। प्रश्नकाल में संसद के दोनों सदनों में अलग अलग व्यवस्था के तहत सांसद मंत्रियों से प्रश्न करते हैं और मंत्रालयों की गतिविधियों के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराते हैं। संसदीय प्रणाली में प्रश्न पूछना एक सांसद का संवैधानिक अधिकार माना गया है, क्योंकि वो एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि है और एक विशेष क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्नकाल के जरिए मंत्रालय के भीतर की वित्तीय विसंगतियां और अनियमितताएं भी बेनकाब होती रही हैं। इसके द्वारा पूरा डेटा और सूचनाएं सार्वजनिक होती रही हैं। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है तारांकित प्रश्न, अगला होता है अतारांकित प्रश्न और अगला होता है अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न वह होता है जिसका सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिस पर तारांक लगा होता है। वहीं अतारांकित में सदस्य सदन में मौखिक उत्तर नहीं चाहता है। अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं। वहीं तीसरा और आखिरी होता है अल्प सूचना प्रश्न। इसमें तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए सदस्य को 10 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। लेकिन अल्प सूचना प्रश्न इससे कम समय की सूचना पर भी पूछा जा सकता है। प्रश्नकाल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी पक्ष और राजनेता तानाशाह नहीं हो सकते। जनता के प्रति उनकी जवाबदेही उनकी संवैधानिक प्रतिबद्धता भी है। भारतीय गणतंत्र में सांसद बीते 70 सालों से अपने संसदीय अधिकार का इस्तेमाल करते रहे। चूंकि इस बार लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के स्तर पर तय किया गया कि मॉनसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा, कारण कोरोना महामारी जो चल रही है उसके फैलाव और उसका जानलेवा प्रभाव है। अब ये निर्णय स्पीकर, सभापति और कार्य मंत्रणा समिति के स्तर पर लिया गया है, अथवा सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय ने भी आग्रह किया था। बेशक 1962, 1975, 1976, 1991, 2004 और 2009 में कई बार अलग अलग कारणों से प्रश्नकाल स्थगित करने पड़े हैं। राज्यसभा में भी बीते 5 सालों के दौरान प्रश्नकाल का 60% समय बर्बाद हुआ और 40% समय में ही सवाल जवाब किए जा सके हैं। लेकिन तभी संसद सत्र शुरू होने से पहले आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी कि अमुक सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। प्रश्नकाल का महत्व इससे भी आप समझ सकते हैं कि देश की स्वतंत्रता से बहुत पहले 1893 में सरकार से सवाल किया गया था। तब ना तो हमारी संसद थी और ना ही संसदीय और विधायी व्यवस्था थी। वो सवाल ग्रामीण दुकानदारों पर पड़ने वाले बोझ से संबंधित था। इलाके में दौरे पर गए सरकारी अफसरों के लिए दुकानदारों को सामान की आपूर्ति करनी पड़ती थी। हालांकि वो अवांछित था, अवैध मांग थी। आज के संदर्भ में देखा जाए तो ऐसे असंख्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं और दोषियों को कटघरे में लाया जा सकता है। मौजूदा जो लोकसभा के दौरान अभी तक करीब 15,000 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सरकार को इस विषय की संवेदनशीलता को समझना चाहिए। महामारी का आतंक इतना सवार नहीं होना चाहिए कि प्रश्नकाल जैसी व्यवस्था की ही बलि चढ़ जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।